टू नेक्स्ट पार्ट. मेन पॉजिटिव फॉर्म इज ऑफ वन सिलेबल यानी वन यूनिट, यानी कि सिलेबल यानी वन वॉवल साउंड हो, ठीक है, और सिंगल कॉन्सोनेंट हो लास्ट में. लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट, एक ही कॉन्सोनेंट है जी, और वन सिलेबल यानी वन वॉवल साउंड है. तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. जैसे कि बिग, बिग में लास्ट क्या है, जी, ठीक है, सिंगल कॉन्सोनेंट है लास्ट में और वन वॉवल की साउंड आ रही है, तो जी क्या हो गया, डबल हो गया, बिगर, बिगेस्ट. फैट, फैट में क्या हो जाएगा, टी डबल हो जाएगा, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है. हॉट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हॉट है, हॉट, तो हॉटर, डबल टी हो जाएगा, हॉटेस्ट. नेक्स्ट है क्या, एंड, ओ सॉरी, रेड, रेड, तो डी डबल हो जाएगा, रेडर, रेडेस्ट. सैड, डबल डी, सैडर, सैडेस्ट. थिन, एन डबल हो जाएगा, थिनर, थिनेस्ट. वेट, वेटर, वेटेस्ट, ठीक है. वन वोवल साउंड है और लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल हो गया है. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. यहाँ पे पॉजिटिव है, हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को कंप्लीट करना है. सो लेट्स डू इट. अप, अप, ठीक है, क्या है अप, तो अप, अ, प, एक ही वो साउंड आ रहा है. और ये देखो अपर मोस्ट, क्या है, अपर मोस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपर, अप, अपर, अपर मोस्ट. रेड, रेडर, रेडेस्ट, पीछे भी किया हमने रेड का, तो सुपरलेटिव हो गया रेडेस्ट. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. सिली, सिलियर, सिलियस्ट. बिग, अब यहां बिगेस्ट है तो क्या आ जाएगा कंपैरिजन में, बिगर. सैड, सैडेस्ट, तो सैड, सैडर, सैडेस्ट. जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट. थॉटफुल, मोर थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल हो जाएगा फिर, ठीक है, मोस्ट थॉटफुल. ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट. नाउ कम द नेक्स्ट. व्हेन पॉजिटिव फॉर्म हैज मोर देन टू सिलेबल देन एड मोर एंड मोस्ट. अब मैंने वन सिलेबल हमने किया था, उसमें क्या था, वन सिलेबल यानी वन वोवल साउंड. अगर टू वोवल साउंड आ रही है तो हम मोर और मोस्ट लगाएंगे, ठीक है. जैसे कि एक्टिव, एक्ट, अ का साउंड, टिव, टिव, ई का साउंड, तो एक्टिव यानी दो वोवल साउंड आ रही है, तो हमने मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ठीक है, तो मोर और मोस्ट लगाया. कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट. एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, टू साउंड्स, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. डिफिकल्ट, अब देखो दो साउंड आ रहे हैं ना वोवल के, डिफी, ई, कल्ट, अ का साउंड, डिफी, डिफी, कल्ट, डिफी, कल्ट, टू साउंड्स, टू वोवल साउंड्स, तो फिर मोर डिफिकल्ट, जब टू वोवल साउंड होंगे तो मोर और मोस्ट लगाना है, ठीक है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. डेंजरस, डेंजरस, जरस, अ का साउंड, डे, ए का साउंड, ठीक है, तो मोर डेंजरस, टू साउंड्स आ रहे हैं मतलब टू वोवल साउंड, तो मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस. चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल.
प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, प्लीजिंग, मोर प्लीजिंग, मोस्ट प्लीजिंग, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. ओबीडियंट, मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट. यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल. केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल. थॉटफुल, मोर थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, दे आर कॉल्ड इररेगुलर एडजेक्टिव्स. द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स आर डिफरेंट. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता. जो अब तक हमने रूल पढ़े थे ना, वो रूल अप्लाई नहीं होता. ठीक है, लेट्स सी. बैड, बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स. सुपरलेटिव होता है वर्स्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. फार, फादर, फादरस्ट. गुड हो या वेल हो, बेटर, बेस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मच या मैनी का मोर, मोस्ट. तो इन पे जो हमने पीछे रूल्स किए वो अप्लाई नहीं होते. ठीक है, बैड का वर्स, वर्स्ट. फार, फादर, फादरस्ट. गुड वेल का बेटर, बेस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मच या मैनी का मोर, मोस्ट. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट. अब हमें सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें फिल करनी है. ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री दी हुई है. ठीक है, माई ब्रदर इज द डैश स्पीकर ऑफ द स्कूल. गुड. अब क्या कह रहा है? मेरा भाई जो है स्कूल का सबसे गुड, यानी अच्छा. तो सबसे यानी सबसे, सबसे किसी एक से नहीं कंपैरिजन हो रहा, सबसे अच्छा है. द है, ठीक है, और सबसे अच्छा. तो गुड का क्या होता है सुपरलेटिव? गुड, बेटर, बेस्ट. तो यहां आ जाएगा बेस्ट. तो माई ब्रदर इज द बेस्ट स्पीकर ऑफ द स्कूल. द आ गया, ठीक है, द आ गया. और वो बोल रहा है स्कूल का अच्छा है स्पीकर है, यानी स्कूल का सबसे अच्छा स्पीकर है. द है, द है स्पेशल की द. तो द जो है मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री में आता है. ठीक है, तो द बेस्ट, द मोस्ट, द वर्स्ट. ठीक है, तो द के साथ क्या आ गया? बेस्ट. नाउ जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर. अगेन द कोल्ड की सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? कोल्डेस्ट. जनवरी इज द कोल्डेस्ट. शी इज डैश देन हर सिस्टर. अब कंपेरिजन हो रहा, देखो वह है, वह अपनी बहन से क्या है? टॉल है. अपनी बहन से टॉल है, यानी अपनी बहन से, उसकी बहन से उसकी तुलना हो रही है एक से. और टी एच ए एन देन है. जब टी एच ए एन देन होता है तो हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, दैट इज टॉलर. शी इज टॉलर देन हर सिस्टर. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देन, यानी एक से तुलना कर रहे होते, तो टी एच ए एन देन आ गया. ठीक है, तो हम कंपेरेटिव यूज करेंगे टॉलर. मोहन इज द, अगेन द डैश बॉयज फैमिली, यानी पूरे फैमिली, पूरे फैमिली में वो क्या है? स्मार्ट, सबसे स्मार्ट. तो क्या आ जाएगा? स्मार्टेस्ट. सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट. दिस बुक इज डैश देन दैट बुक. फिर अगेन देन, यानी उस बुक से कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो गुड का कंपैरेटिव होता है क्या बताया? ये रहा बेटर. तो दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक. नाउ कम ऑन द लास्ट वन. इन द पैसेज गिवन बिलो देयर इज वन एडजेक्टिव मिसिंग इन ईच लाइन.
अ स्लैश हैज बीन मार्क्ड इन द प्लेस वेयर द वर्ड इज मिसिंग. स्लैश की जगह क्या आएगा? यस, एडजेक्टिव. ठीक है, लेट्स डू. वन डे आई बॉट अ डैश गैस बलून. तो हमने एडजेक्टिव करना है, तो आई बॉट अ आ गया, यानी कॉमन बात हो रही है कि कैसा बलून लिया, अ स्मॉल अ बिग जो भी है. ठीक है, तो आई बॉट अ बिग बलून, गैस बलून. इट वॉज अ डैश बलून, अगेन अ आ गया, तो इट वॉज अ रेड, इट वॉज अ येलो, इट वॉज अ ब्लू, कुछ भी कलर लिख सकते हैं. इट वॉज अ रेड बलून. इट ट्राइड सॉरी आई टाइड अ डैश थ्रेड टू इट. अ डैश थ्रेड अ है, यानी सिंपल कॉमन बात हो रही है. कैसा थ्रेड? अ लॉन्ग थ्रेड. तो मैंने कैसा धागा बांधा? अ लॉन्ग थ्रेड टू इट. द बलून बेंट अप अ लिटल डैश. बलून कहाँ गया? थोड़ा ऊंचा गया. थोड़ा ऊंचा यानी कंपैरिजन, पहले ऊंचा फिर थोड़ा और ऊंचा, तो अ लिटल आ गया है, तो हाइयर, अ लिटल हाइयर. आई टुक द बलून इनटू अ डैश हॉल, इनटू अ बिग हॉल. अ के बाद बिग आ गया, यहाँ अ के बाद लिटल था यानी कि थोड़ा और ऊंचा. लिटल मीन्स थोड़ा और, हाई मीन्स ऊंचा, तो हमने हाइयर लगाया. कंपैरिजन किया कि पहले ऊंचा था उससे थोड़ा और ऊंचा, ऊंचे से थोड़ा सा ऊंचा. कंपैरिजन किया तो हाइयर लगाया. यहाँ सिंपल है कि इनटू अ डैश होल, इनटू अ बिग होल. आई डिड नॉट लेट द थ्रेड स्लिप फ्रॉम माय डैश हैंड. कौन से हैंड से? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड. आई हैड ओनली वन डैश बलून. आई हैड ओनली क्या था? ओनली वन गैस बैलून. शुरू में क्या था? गैस बैलून. सो आई टुक डैश केयर ऑफ इट. सो आई टुक गुड केयर ऑफ इट या ग्रेट केयर ऑफ इट. ओके स्टूडेंट्स.